नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी अमेज़न यूज़ करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर आपको भी कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए होता है या कुछ आपको क्लोथिंग वगैरह चाहिए होते हैं, शर्ट्स, जीन्स, शूज़, ऐसे कुछ भी सामान वगैरह अगर आपको परचेज़ करना होता है, तो अमेज़न वाली वेबसाइट पर जाके आप आराम से जो है सामान परचेस कर सकते हो। जैसे कि आप जानते हो कि अमेज़न पे करोड़ों प्रोडक्ट्स है जो कि आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, ऑनलाइन बाय कर सकते हो। ठीक है, आप कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू यूज़ कर जो है प्रोडक्ट आइटम परचेस कर सकते हो, आप कार्ड पेमेंट के थ्रू जो है यूज़ कर सकते हो, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा आप UPI ID के थ्रू भी जो है अमेज़न पर पेमेंट कर सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अमेज़न पर UPI ID के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, कोई भी सामान जो है ऑर्डर कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों, आप अगर आपके पास गूगल की UPI ID है तो गूगल UPI ID के थ्रू भी आप कर सकते हो, अगर आपके पास फ़ोनपे UPI ID है तो फ़ोनपे UPI ID के थ्रू भी कर सकते हो, अगर आपके पास पेटीएम UPI ID है तो पेटीएम UPI ID कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करो और आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप अमेज़न की वेबसाइट पर UPI ID के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप गूगल पे की UPI ID के थ्रू अमेज़न से कोई भी सामान परचेस कर सकते हो, कोई भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आप गूगल पे की UPI के अलावा अगर आपके पास फ़ोन पे UPI ID है तो उससे भी कर सकते हो, अगर आपके पास पेटीएम UPI ID है तो उससे भी कर सकते हो। तो मैं गूगल पे की ID से कोई आपको सामान परचेस करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने लॉगिन कर लिया ऑलरेडी अमेज़न वाली एप्लीकेशन के अंदर, आपको भी लॉगिन कर लेना है। आपके यहाँ पे ऊपर आपका प्रोडक्ट सर्च कर लेना है। यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक जो है बोट का ईयरफोन जो है दोस्तों मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। फॉर एग्जांपल मेरे को ये वाला बोट का ईयरफोन लेना है जो कि काफ़ी अच्छा है, इसकी रेटिंग्स वगैरह काफ़ी अच्छा है, तो मेरे को ये थोड़ा सा पसंद है। तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो वगैरह नहीं है, बस मैंने आपको बस एक प्रोडक्ट परचेस करना है मेरे को भी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने प्रोडक्ट को जो है दोस्तों ऐड टू कार्ट कर दिया। ऐड टू कार्ट करने के बाद कार्ट वाले ऑप्शन पर मैं आ जाता हूँ, प्रोसीड टू बाय वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आ जाता हूँ। प्रोसीड टू बाय वाले ऑप्शन के अंदर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आपका डिलीवरी एड्रेस जो है सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेरा डिलीवरी एड्रेस सेट कर किया हुआ है। अगर आपको कोई नया एड्रेस सेट करना है तो यहाँ पे नीचे जब आपको आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड अ न्यू एड्रेस, तो यहाँ पे आप अपना नेम, मोबाइल नंबर, पिन कोड और एरिया वगैरह डाल के नया डिलीवरी एड्रेस जो है सेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो सेलेक्ट किया हुआ है, डिलीवर टू दिस एड्रेस वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद येलो वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद डिलीवरी स्पीड जो है ये आपको बता देगी कि कब आपका प्रोडक्ट जो है डिलीवर होगा। ऊपर ही ऊपर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ जो है पेमेंट के ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आपको सबसे पहले क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, तो यहाँ पे आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। नीचे फिर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अमेज़न पे एंड UPI ID भीम UPI। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इस वाले ऑप्शन पे आपको आना है। नीचे आपको कुछ जो है और नेट बैंकिंग भी मिल जाती है, पे ऑन डिलीवरी भी आती है, तो ये ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन अपन को किस चीज़ से मतलब है, अभी अपन को मतलब है UPI ID से। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि भीम UPI वाले ऑप्शन पे आपको आ जाना है। भीम UPI वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आपको दोस्तों सेलेक्ट करना है। आपको ये बोलेगा सेट अप योर अमेज़न पे UPI और यूज़ अनदर UPI ID। तो मैं जैसे कि आपको बताया, मैंने गूगल पे के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया यूज़ अनदर UPI ID। तो ठीक है दोस्तों, तो ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपको जो है UPI ID डाल देना है नीचे। तो यहाँ पे मैं अपनी UPI ID डाल देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि मैंने अपनी UPI ID डाल दी। UPI ID डालने के बाद आपको वेरीफाई वाले बटन पे एक बार क्लिक कर देना है। वेरीफाई वाले बटन पे जब आप क्लिक करोगे देख सकते हो दोस्तों आपका जो वेरीफाई हो जाता है, प्लीज़ प्रेस कंटिन्यू कंप्लीट द प्रोसेस। नीचे आपको आ जाना है। नीचे आने के बाद कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट का जो आपका पूरा जो टाइम है, डेट है और प्रोडक्ट की जो डिलीवरी है, टाइम है, ये सब आ जाता है। डिलीवरी का जो परचेस वगैरह जो लगता है वो भी आ चुका है नीचे, और नीचे आपको जो है प्रोडक्ट यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है दोस्तों, एस्टिमेटेड डिलीवरी यहाँ पे दिया हुआ है 25 अगस्त to 7 सितंबर। यहाँ पे जो सारी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। प्लेस योर ऑर्डर एंड पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आपको सिंपली। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपका जो UPI जो आपने UPI मांगा है, UPI ID जो आपने इसमें दिया है, जैसे मैंने यहाँ पे गूगल पे की UPI ID दी है, तो उस पर जो है ऊपर ऑलरेडी जो है मैसेज आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैसेज आ चुका है। यहाँ पे जो है मैं गूगल से गूगल का जो UPI वगैरह है उसे आपको दिखा देता हूँ। तो ये जब मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे ऑलरेडी ऑप्शन आ चुका है कि अमेज़न इज आस्किंग फॉर पेमेंट, तो प्रोसीड टू पे वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड टू पे वाले बटन पे क्लिक करने के बाद UPI जो है मैं डाल देता हूँ। तो ये डालने के बाद, UPI डालने के बाद ये पेमेंट का प्रोसेसिंग लेगा। तो जैसा कि दोस्त देख सकते हैं कि पेमेंट प्रोसेसिंग लेने के बाद कुछ टाइम के बाद ये जो है UPI ID के थ्रू जो है पेमेंट हो चुका है। यहाँ पे तो देख सकते हो कि अमेज़न की वेबसाइट से अपन ने UPI ID के थ्रू, गूगल पे की UPI ID के थ्रू जो है आइटम परचेस किया हुआ है। हम यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है, मैसेज आपको दिखा देता हूँ।
ठीक है दोस्तों, ये मैसेज आ चुका है। इसके बाद दोबारा से अमेज़न जब आप ओपन करोगे तो अमेज़न पे जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपना ऑर्डर जो है कंप्लीट हो चुका है। ये आप देख सकते हो, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, और ये आइटम जो हैज़ बिन परचेस्ड। तो इस तरह से दोस्तों आप अमेज़न की वेबसाइट पे किसी भी UPI ID के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास गूगल पे UPI की ID है, अगर आपके पास फ़ोनपे है, अगर आपके पास पेटीएम UPI ID है, तो किसी भी UPI ID को यूज़ करके आप जो है अमेज़न पे परचेस कर सकते हो आइटम। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बोलते हैं मुझे अपना नाता।